हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमने पिछले रूल्स पढ़े हैं उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बीएस गरीवाल की बुक से लिया है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हम इसका अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालने जा रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल या वाई पी भी हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/(d²−2d+4e)x(cos(x)। सबसे पहले हम e की पावर x के लिए सॉल्व करते हैं। e की पावर x ओवर 1/ अब हम यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर सीधा रूल 1 नहीं लगेगा। मैं एक बार इधर पूरा कंप्लीट कर देता हूं। इंटू कॉज ऑफ एक्स, इधर हम इधर सीधा रूल 1 नहीं लग सकता क्योंकि e की पावर x के साथ कॉज x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉज x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम इधर क्या करेंगे, जहां जहां पर भी d है वहां वहां पर हम d+1 पुट कर देंगे, d+1। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x 1/(d+1)²−2d+1+4cos(x)। और इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, e की पावर x 1/(d²+1+2d−2d+2+4)−2 2 + 4 × cos(x)। तो ये 2d से ये 2d कट गया और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, cos x 1/(d²+3cos(x)। तो ये e की पावर x के लिए सॉल्व हो चुका है। तो अब हमको cos x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x का कोफिशियंट यहाँ पर क्या है, 1। तो इधर हम सिंपली 1 पुट करके उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो देखते हैं इधर अब रूल 2 लग सकता है क्योंकि ये एक सेपरेट टर्म हो गई है। e की पावर x के लिए हम सॉल्व कर चुके हैं, तो लिखेंगे e की पावर x ओवर 1/(-1+3cos(x)। तो ये बन जाएगा e की पावर x cos x अपॉन 2 और ये हमारा आंसर भी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।